व्हाट्सअप गेमर्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो है हीरो इक्विपमेंट्स के बारे में, कैसे उन्हें परचेज़ करें, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगाना ज़रूरी है और इक्विपमेंट्स को लेवल अप कैसे करें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पिछली वीडियो में मेरे से किसी ने पूछा था कि क्लेन का नाम और अपना नाम बताओ। तो क्लेन का नाम है डिमोनिक, लेवल 10 क्लेन है, और मेरा नाम है डार्क किंग। तो आते हैं अपने वीडियो की मेन टॉपिक पर। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो है कि क्या आपको इक्विपमेंट्स लगाने चाहिए अपने हीरोज़ पे। तो इसका सीधा सीधा जवाब है कि हाँ, बिल्कुल लगाने चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ एक रैंडम हीरो पर। चलिए इसको ही ले लेते हैं, ग्लोरी प्रिस्टेस। इसका अटैक है 375 और HP है 4000। तो अब इस पे इक्विपमेंट लगाते हैं। तो ये देखिए, HP 1 लाख तक चला गया है सिर्फ एक इक्विपमेंट लगाने से। तो इक्विपमेंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं आपके हीरोज़ के लिए। एक बार अरीना में मेरे को एक प्लेयर मिला था जिसके हीरोज़ सारे लेवल 1 के थे और उन पे रेड इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। तो उन्होंने लगभग मेरे सारे हीरोज़ को मार ही दिया था। तो इक्विपमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो अब बात करते हैं इक्विपमेंट्स परचेज़ कैसे करें। तो इक्विपमेंट्स परचेज़ करने के लिए आपको सबसे पहले शॉप पे जाना होगा। वहाँ से आप 5000 ज्वेल्स दे के इस इक्विपमेंट्स को परचेज़ कर सकते हैं। और भी एक तरीका है, जैसे कि एल्केमी वर्कशॉप से आप शार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। पर जिन लोगों को पता नहीं है एल्केमी शॉप क्या होती है, तो मैं कल उस पर एक वीडियो डालने वाला हूँ, तो जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कल तक मिल जाएगा। तो उसके बाद आते हैं इक्विपमेंट्स लेवल अप कैसे करें। तो लेवल अप करने के लिए आपको फोर्जिंग ब्लॉक शॉप से परचेज़ करना पड़ेगा, और इसको परचेज़ करने के लिए आपको टाउन हॉल 7 होना चाहिए। परचेज़ करने के बाद आपका एल्डोराडो खुल जाएगा। तो ये देखिए एल्डोराडो, तो एल्ड्राडो से आपको मटेरियल्स और शार्ड्स मिलेंगे इक्विपमेंट्स लेवल अप करने के लिए। तो लेवल अप करने के लिए आपको फोर्जिंग ब्लॉक में आना होगा, फिर फोर्ज पर क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको परचेज़ किए हुए सारे इक्विपमेंट्स शो हो जाएंगे। फिर ऊपर फोर्ज के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको 5 स्लॉट्स दिख रहे होंगे। हर एक स्लॉट में कुछ मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि आपको एल्डोराडो से मिल जाएंगे। मटेरियल्स पर क्लिक करते ही आपको वो बता देगा कि इक्विपमेंट्स को कितना लेवल चाहिए ये स्लॉट ओपन करने के लिए। स्लॉट ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रही होगी गो गेट देम, और फिर ऑटोमेटिकली गेम बता देगी कि वो रिसोर्स किस स्टेज में अवेलेबल है। तो अगर आपने उस स्टेज पर 3 स्टार्स अर्न किए हैं तो आप उसको ऑटो क्लियर कर सकते हैं। सारे मटेरियल्स मिल जाने के बाद आपकी इवॉल्व की ऑप्शन आ जाएगी। स्टार्टिंग में तो कोई भी शार्ड्स नहीं लगते हैं, पर बाद में आपको कुछ शार्ड्स देने पड़ेंगे अपग्रेडिंग के लिए, जैसे कि मुझे यहाँ पर चाहिए अभी। तो इसी तरह से आप अपने इक्विपमेंट्स को अपग्रेड कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, सीक्रेट वॉल्ट में अगर आपके पास 60,000 ज्वेल्स हैं और उनको आप स्पेंड करेंगे तो आपको एक गोल्ड इक्विपमेंट मिल जाएगा, अगर आपके पास इतने ज्वेल्स हैं तो। तो बस यार, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कल। बाय।